25. Program to swap two numbers using push and pop. Lecture 23 के अंदर हमने stack start किया था कि stack क्या होता है, push and pop instructions क्या होती हैं. उसमें sample program भी बनाया था. और जिसके lecture के end में हमने ये कहा था कि हम अगले lecture swap numbers का बनाएंगे, उसके बाद string के reverse का, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो lecture 24 के अंदर मैंने exams material दे दिया. तो अब हम लेक्चर 23 को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने कहा था कि हम अगले लेक्चर में स्वैप नंबर्स का प्रोग्राम बनाएंगे, वो हम इस लेक्चर में देख रहे हैं. लेक्चर 25, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पुश एंड पॉप. तो पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, स्टिक क्या होता है, वो आप लेक्चर 23 के अंदर समझ लिए होंगे. अगर नहीं समझे तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप पहले लेक्चर 23 देख लें, ताकि आपको पता हो कि ये चीजें क्या होती हैं. तो आज हम बनाते हैं स्वैप टू नंबर्स का. स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का नंबर ये होता है, बिलफर्ज ए बराबर है 3 के और बी बराबर है 4 के. तो एक स्वैपिंग के बाद, आफ्टर स्वैपिंग क्या होना चाहिए कि ए बराबर हो जाए 4 के और बी बराबर हो जाए 3 के. तो इसे हम कहते हैं स्वैपिंग या एक्सचेंजिंग, कि उसने उसका नंबर ले लिया, उसने उसका नंबर ले लिया, इसे हम कहते हैं स्वैप. तो आज हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो लॉजिक समझ लेते हैं कि हम किस तरह स्वैप करेंगे. देखें, हम स्वैप करेंगे पुश एंड पॉप की हेल्प से. कैसे? बिलफर्ज अगर मैं पुश करता हूँ, उसके आगे कोई रजिस्टर है एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक के अंदर एक वैल्यू चली गई. बिलफर्ज ये स्टैक था हमारा, जिसके अंदर एक्स के अंदर बिलफर्ज अगर 1 है तो 1 यहाँ पर आ गया. मैं अगर सपोज करता हूँ मूव एक्स के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो 1 यहाँ पे आ गया. और उसके बाद मैं पुश करता हूँ दोबारा बी एक्स, और बी एक्स के अंदर क्या है, बिलफर्ज में सपोज करता हूँ कि 2 है, तो यहाँ पे अब क्या जाएगा 2. मतलब पहले जो हुआ था ये पुश, उसके बाद ऊपर ये आ गया, मतलब पहले ये फिर ये. अब टॉप पे क्या है हमारे पास, 2 है. अब अगर मैं पॉप करूँगा कभी भी, तो पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 आएगा, उसके बाद ये आएगा. क्यों? स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिरी में आने वाला पहले निकालता है. तो अगर मुझे 2 अब किस में डालना है, एक्स के अंदर, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ ना कि एक्स के अंदर जो है वो बी एक्स में आ जाए, जो बी एक्स के अंदर है वो एक्स में आ जाए. तो अगर मुझे ये चीज़ एक्स के डालनी है, तो मैं दोबारा पॉप लिख के ए एक्स ही लिखूंगा. क्यों? क्योंकि अब ये जो चीज़ निकलेगी वो यहाँ पे एक्स के अंदर आ जाएगी, तो एक्स 2 के बराबर हो जाएगा और पॉप बी एक्स, और बी एक्स 1 के बराबर हो गया. देखें वैल्यू चेंज हो गई. इसने क्या किया, कॉपीज टॉप मतलब 2 फ्रॉम स्टैक टू एक्स. इसने क्या किया, कॉपीज नहीं मूव्स. इसने क्या कर दिया, मूव्स 1 फ्रॉम स्टैक टू बी एक्स कर दिया. इसने पुश से क्या किया था, एड या कॉपीज कर दूं हम, कॉपीज एस की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 टू स्टैक. इसने क्या किया, कॉपीज 2 टू स्टैक. अब देख रहे हैं आप, बी पहले 2 था, लेकिन अब बी में क्या आ गया, 1 आ गया. एक्स पहले क्या था, 1, अब इसमें क्या आ गया, 2 आ गया. कुछ भी नहीं था, सिंपली हमने पुश किया एक्स तो 1 आ गया यहाँ पे, फिर पुश किया बेस, बेस पे आ गया. अब हमने पॉप किया तो एक्स पे 2 चला गया, क्योंकि टॉप पे हमारे पास 2 था, और फिर पॉप भी किया तो टॉप पे ये 1 चले गया. तो इस तरह ये स्वैप हो गए. कुछ भी नहीं था, पहले ये फिर ये पुश हुआ, पहले ये पुश हुआ फिर ये पुश हुआ, पॉप पहले ये होगा फिर ये होगा, बस इस तरह स्वैपिंग हुई है, कुछ भी नहीं है. अब हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर. तो सबसे पहले जो हमारा फिजिकल पाथ था, उसको हम यहाँ पे माउंट करते हैं, माउंट सी, जो ये फिजिकल पाथ जहाँ मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है, जहाँ मेरा मैसम पड़ा हुआ है, उसको मैंने सी के नाम से यहाँ पे वर्चुअली माउंट कर दिया. एंटर किया, अब मैं सिर्फ सी ड्राइव के अंदर आ गया वर्चुअली तौर पे. अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाते हैं. तो सबसे पहले एडिट लिखा, मैं लिखता हूँ एक प्रोग्राम बनाता हूँ pro1.asm. एंटर किया, यहाँ पे आ गया. तो सबसे पहले प्रोग्राम जो मैंने आपको अब तक समझाया है कि हमेशा सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया करें, ताकि आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो. तो डॉट मॉडल सिंबल लिख दिया. डॉट मॉडल सिंबल क्या होता है, वो मैं आपको पहले लेक्चर में बहुत बता चुका हूँ, आप पहले वाले देख रहे हैं. सिंबल का मतलब क्या होता है, साइज़,
कि आपका डेटा और कोड का साइज लेस देन इक्वल टू 64 KB होगा। उसके बाद डॉट स्टैक 100H जो कि स्टैक मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, जो कि मैंने लेक्चर 23 के अंदर आपको समझाया था। उसके बाद डॉट डेटा जहाँ के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। उसके बाद डॉट को जहाँ के अंदर हम कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, मेन प्रोक, मेन नाम प्रोसीजर का। उसके बाद इसको हम एंड करते हैं, मेन एंड प्रोसीजर, और ये प्रोग्राम हमारा एंड होता है प्रोसीजर। अब हम यहाँ पे हमेशा कोडिंग करते हैं। तो सपोज मूव एक्स कर दिया हमने 1, मूव बी एक्स कर दिया हमने 2। अब हम पुश करते हैं, पुश एक्स, पुश बी एक्स। अब फिर पॉप करते हैं, पॉप एक्स और पॉप बी एक्स। पहले ए गया, बी उसके ऊपर आ गया, ए गया बी उसके ऊपर आ गया। अब जो ऊपर था वो एक्स में आ गया, जो नीचे था वो बी एक्स में आ गया। तो इस तरह स्वैपिंग हो गई। अब हम प्रिंट करके देखते हैं, मूव डी एक्स के अंदर हमने एक्स डाल दिया, मूव एच के पास 2 भेज दिया, एंटर कोड कर दिया, इससे ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम दूसरा प्रिंट करके देखते हैं, मूव डी एक्स के पास हमने बी एक्स भेज दिया, मूव एच 2, एंटर 21H, प्रिंट हो गया ये भी। अब प्रोग्राम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया था आपको कमिंग फ्रॉम ब्रेक, तो मूव एच के पास हमने 4CH भेज दिया और एंटर 21H कॉल कर दिया। बस कुछ भी नहीं था, पहले ये पुश किया फिर ये पुश, मतलब एक्स नीचे आ गया बी एक्स ऊपर आ गया। ये एक्स था, ये बी एक्स था, इस तरह हो गया। जब हम दोबारा पॉप किया तो टॉप पे जो चीज पड़ी थी वो इसने यहाँ पे लाके दे दी। अब एक्स किसके बराबर हो गया 2K, और बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा 1K। कुछ भी नहीं, स्वैपिंग थी दो नंबर्स की, किस तरह स्वैप करते हैं, किस तरह आपस में उनकी वैल्यूज एक्सचेंज करते हैं, पुश और फिर पॉप करना होता है। इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर है तो फिर रन टाइम पे यहीं पे देख लेंगे हम। सेव किया, एग्जिट किया, आ गए, मैं सम लिखा pro1.asm सेमीकोलन लाजमी, कोई एरर नहीं है। फिर लिंक pro1.obj ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, सेमीकोलन, कोई एरर नहीं है। pro1 दबाया तो ये 2 और 1 आ गया, हालांकि पहले हमने 1 डाला था फिर 2, स्वैपिंग के बाद क्या हो गया 2 और 1 हो गया। थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू subscribe.